हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। इसी तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस होते रहिए, सफल होते रहिए। और जो नया ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मोटिवेट के रूप में। और यहाँ पर आज की रीडिंग है गाइस कि आपके पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा खफा हैं, गुस्से में हैं, आपको फ़ोन नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर दूर चले गए हैं या दूरी बना कर रख रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको कब तक कॉल करेंगे, यानी आपके लिए आपके प्यार का कब फ़ोन आएगा, कब कॉल आएगा, ये आज की रीडिंग है गाइस। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है और दूसरा सेकंड ऑप्शन है, जो भी आप चुन लीजिए गाइस। फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके पार्टनर का फ़ोन कब तक आएगा या कब आएगा। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, यहाँ पे ये कार्ड को देख के लग रहा है कि आप लोग के बीच में बहुत दूरियाँ आई हैं, प्रेजेंट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत कहा सुनी भी हो सकता है गाइज यहाँ पे, या हो सक यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी अंदेशा लग रहा है गाइज। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई प्यार या अफेयर नहीं होता है, पारिवारिक मामले भी हो सकते हैं, जैसे आपके इन लॉज आपसे झगड़ा किए हों, या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि आप दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई लड़ाए हैं, ऐसी आग लगाए हैं दोनों पार्टनर के बीच में, जिसके कारण आप में बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं। और आप दोनों यहाँ पे मेल जो हैं, यहाँ पे मेल का फिगर आया है, तो यानी जो मेल पर्सन है आपसे सुलह करना चाहते हैं, अपने लड़ाई झगड़ों को यहाँ पे समाप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि ये लड़ाई जो है, लड़ाई का समापन है वो कब करेंगे, आपको फ़ोन कब करेंगे, ये दूरियाँ कब कम होंगी, देखते हैं कार्ड से क्या निकल कर आता है गाइस। यहाँ पे सही में आप दोनों के बीच में गाइस बहुत बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो गई है, जिसके कारण वो बहुत नाराज़ हैं गाइस आपसे, दोनों पार्टनर एक दूसरे से आप बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। यहाँ तक कि आप लोग तू तू मैं इतना ज़्यादा हुआ है गाइस, इतना ज़्यादा तू तू मैं हुआ है, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे के पास ही हो, बाहर नहीं गए हो, दूरियाँ हैं लेकिन घर की दूरियां नहीं है, मन की दूरियां हैं गाइज। यहाँ पर आप दोनों के बीच, आप लोग एक ही घर में रहते हो, एक ही पास रहते हो, सब होता है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना ली है, थोड़ा सा आप दोनों में मन में जो है विच्छेद आ गया है, थोड़ा मतभेद आ गया है, थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, यहाँ पर कार्ड के द्वारा दिख रहा है आप लोगों के बीच में तो। और ये बात है, और यहाँ पे मान सम्मान की बात हो रही है गाइस, यानी एक पार्टनर ने अपने दूसरे पार्टनर को कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हैं जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुँची है, ऐसा आपने बात कहा है जो उसको पसंद नहीं है, या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है, उनको अच्छा नहीं लगा है किसी एक पार्टनर को यहाँ पर, जिसके कारण आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हैं, कलह हो गए हैं, जो कि आप एक दूसरे से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं एक दूसरे से गाइज। यहाँ पर आप दोनों में पहले बहुत ज़्यादा फुलिश वाला प्यार था, बहुत ही नाजुक, बहुत ही प्यार और अल्हड़पन वाला प्यार था, आप दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई गिफ्ट देते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के पास रहते थे, एक दूसरे की बातों को शेयर करते थे, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने या इन लॉज ने ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच में लगाई है जिससे आप दोनों को ठेस पहुँची है। यहाँ पे आपके मन में बहुत गहरा घाव हुआ है एक दूसरे के प्रति, कि मैंने सोचा नहीं था मेरे पार्टनर ने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, ये बात को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूरियाँ आ गई हैं यहाँ पर, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से अलग रह के खुश नहीं हैं गाइज यहाँ पर। लेकिन कार्डों के द्वारा ये बताया जा रहा है
कि आपके लिए आपके पार्टनर का जो तकलीफ है, जो भी दर्द है, पीड़ा है, जो भी दूरियां हैं, वो कम करने के लिए जो मेल पर्सन है वो जरूर फोन करेंगे गाइज आपको। 151% आपको फोन करेंगे, वो बेचारे झुक जाएंगे आपके आगे, फीमेल के आगे जो मेल पर्सन है वो झुक जाएंगे। इसके लिए झुकेंगे क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। आपने भले ही उनके मन को ठेस पहुँचाया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया है, लेकिन वो आपको सॉरी बोलेंगे, वो भी फ़ोन के द्वारा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1 डेज यानी 1.5 डेज के बाद या 11 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद आपको वो कॉल करके यहाँ पे आपको सॉरी बोलेंगे कि उनकी गलती नहीं भी है गाइज। यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, आपके यहाँ पे 12 घंटे में आपको जरूर फोन करेंगे। जो गलतियाँ हैं वो आपकी हैं गाइज, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, इकरार करते हैं, गलती आपकी है, लेकिन वो आपके सामने फोन करके सॉरी बोलेंगे, गलतियों की माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि मेरी गलती थी, चलो मुझे माफ़ कर दो। यानी फ़ोन कॉल वो ज़रूर से ज़रूर करेंगे गाइज, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और आपके रिश्ते को गाइज किसी की नज़र नहीं लग सकती है, कोई भी आपके बीच में आग नहीं लगा सकता है, झगड़ा नहीं लगा सकता है, क्योंकि आपके रिश्ते को जो है, रिलेशन को जो है, एंजल का ब्लेस प्राप्त है। यानी एंजल द्वारा आप दोनों आशीर्वादित हैं, जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता टूटेगा नहीं। भले थोड़ी दूरियाँ आ जाए, तकलीफ़ आ जाए और कहा सुनी हो जाए, लेकिन टूटेगा नहीं रिलेशन आपका प्यार भरा। और आपके पर्सन ही आपको आपके अपने करीब लेकर आएंगे, वो भी फ़ोन कॉल के द्वारा, 1 डेज में या 1.5 डेज में या 11 आवर्स में ज़रूर आपको फ़ोन करेंगे यहाँ पर। हाँ, सेकेंड ऑप्शन, जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन चुना था, तो यहाँ पर ये रीडिंग निकल कर आ रही है गाइस कि आपके जो लवर हैं, प्रेमी हैं, उनका 12 घंटे में या जो रूठ गए हैं आपसे, जो बहुत ही दूर बना लिए हैं, उनका फ़ोन आएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पे कार्ड आया है, देख रहे हैं कैसे कोई एक इंसान है, एकदम शांति से बैठा है, चुप से बैठा है। यानी आपके लवर जो हैं, आपके पार्टनर हैं, सब जानते हुए भी, सब स्थिति को जानते हुए भी, सब स्थिति को मानते हुए भी एकदम शांत बैठे हैं। यानी आपको कॉल नहीं कर रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको दुविधा में डालने के लिए, आपको तकलीफ़ देने के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा एकाग्र होकर बैठ गए हैं कि मैं अपने पार्टनर को फ़ोन नहीं करूँगा और मैं मुझसे तुम भी बात मत करना। यानी बहुत ज़्यादा मुंह फुला के आपसे बैठ गए हैं गाइज, यहाँ पे आपके लवर, मेल या फीमेल दोनों की बात हो रही है। यानी जो भी आप एनर्जी स्विच कर सकते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा आप दोनों में ऐसी चुप्पी साध ली है, ऐसा मौन हो गए हैं आप दोनों कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं और झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं। यानी जो साइलेंट फाइट होता है वो आप दोनों कर रहे हैं, ना बातें हो रही हैं, ना चीत हो रही है, ना प्यार हो रहा है, ना दुलार हो रहा है, बल्कि एकदम शांति है। मतलब दोनों तरफ से शांति है, ना फोन आ रहा है, ना जा रहा है, ना बातें हो रही हैं, यानी हर जगह से शांति ही शांति है। ये भी जो शांति है वो बोलते हैं ना, आवेग वाली शांति है, क्रोध वाली शांति है, आप दोनों के बीच यही सब चल रहा है। देखते हैं आपके लिए पार्टनर का फोन आएगा कि नहीं। टू ऑफ 10 ऑफ कप्स, द मून, मेजर आर्काना से आया गाइस कार्ड यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका देखिए, अभी फिलहाल आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा तनाव है, एक दूसरे से चुप्पी साध ली है आप दोनों ने, मेल फीमेल दोनों, दोनों लवर ने। यानी मैं फ़ोन नहीं करूँगा,
या बोलते हैं ऑनलाइन जो झगड़ा होता है वो चल रहा है, यानी ना आप उनको फ़ोन कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं, ना फीमेल जो है आपको मैसेज कर रही है ना फ़ोन कर रही है, यानी ब्लॉक भी हो सकता है एक दूसरे को आपने, यानी ब्लॉक किया होगा आप दोनों ऑनलाइन या फ़ोन के द्वारा, दोनों एक दूसरे को बंद किए हैं बात करना चीत करना यहाँ पर। और इस दोनों के ब्लॉकेज में गाइस आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर कार्ड के द्वारा ये दिखाई दे रहा है आपका फैमिली जो है बहुत ही परेशान हो रहा है आप दोनों की चुप्पी से, आप दोनों के मौन से, आप दोनों के झगड़े से, लड़ाई से, शांति से। आपके जो इन लॉज हैं वो भी परेशान हैं कि ये दोनों अपने में कर क्या रहे हैं, दोनों लवर के फैमिली भी परेशान है कि ये दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने में कर क्या रहे हैं, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना कलह आप एक दूसरे में करके और शांत हो गए हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए हैं, एक दूसरे से दूर हो गए हैं, एक दूसरे को फोन कर नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, ये सब रीडिंग निकल कर यहाँ पर आ रहा है गाइज। और ये भी पता चल रहा है कि आपके पार्टनर ना जानबूझ के, दोनों पार्टनर जो है एक दूसरे को तंग करने के लिए, एक दूसरे को दर्द देने के लिए, तकलीफ देने के लिए जानबूझ के ये सब हो रहा है कि मैं उनको फ़ोन नहीं करूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगी, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीडिंग में गाइज। और यहाँ पे फ़ोन का आने की बात है तो दो कार्ड जो है पॉजिटिव आए हैं, जिससे कि ये आपके जो पर्सन हैं वो 10 मंथ या नाइन सॉरी 10 आवर्स या 9 आवर्स के बाद या 2 दिन के बाद, यानी 2 डेज के बाद आपको फोन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उनके मन में ऐसा आएगा, यहाँ पर भी मेल का ही कार्ड आया गाइस, तो आपके जो मेल पर्सन हैं आपको सामने से फोन करेंगे 10 आवर्स 9 आवर्स एंड 2 डेज के अंदर आपको सामने से कॉल करेंगे, और आपसे वो अभी समय बहुत ही क्रोध में है गाइस, बहुत ही गुस्से में है यहाँ पर। वो अच्छा है, हो गया है कि थोड़ा सा आपको वो थोड़ा से आपसे दूरी बनाकर रखे हैं, अगर ज़्यादा आप टच में दोनों रहेंगे तो बात और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके लिए दोनों ने अच्छा किया है कि बात ही करना बंद किया, ना लड़ाई होगा ना झगड़े होंगे और ना कलह। आपने जो समझदारी से दूरी बनाई है, एक दूसरे को ब्लॉक किया है, एक दूसरे को बात करने से रोक लिया है, इसमें आप दोनों का ही लाभ है गाइज। आप दोनों ही सेफ रहेंगे, दोनों ही अच्छे रहेंगे, और दोनों के जो आपको समझने का सोचने का मौका मिलेगा दोनों पार्टनर को, या फीमेल को भी या मेल को भी। और आप जो चुप्पी साध लिए दोनों दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, थोड़ा एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है बुरा है, तो आप खुद ही यहाँ पे 10 आवर्स 9 आवर्स या 2 डेज के बाद आपके पर्सन जो हैं, या मेल या फीमेल, दोनों में से कोई एक फ़ोन कर सकता है, उसके लिए वो सॉरी बोल सकता है, अपने पेट की बात, यानी पेट की बात मतलब अपने दिल की बात जो है वो आपसे ज़रूर कहेंगे कि हम लोग के बीच ये दूरियां क्यों बढ़ी, लड़ाई झगड़े क्यों हुआ, यानी सामने से ब्लॉक को खोलेंगे, सामने से आपको एक दूसरे का फोन आ सकता है, या तो फीमेल का आ सकता है या तो मेल का आ सकता है। यहाँ पर बहुत ही यूनिक रीडिंग है गाइस, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, और साथ साथ एक दूसरे का केयर भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो फोन आएगा जरूर, और आप दोनों पास आना चाहते हैं तो एक दूसरे को समझना शुरू करिए, एक दूसरे को बातचीत से अपने जितने भी समस्याएं हैं उनका हल ढूंढेंगे तो आपको हल जरूर मिलेगा, और फोन तो आना ही आना है यहाँ पर आपके लिए। यही रीडिंग थी गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हस्तरेखा दिखाना या टैरो रीडिंग दिखानी है गाइस, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।